हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में एक नया मेथड सीखने वाले हैं, गुडविल कैलकुलेशन का। इसके पहले के वीडियोस में मैंने चार मेथड्स पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो चार मेथड आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि कुछ मेथड से रिलेटेड चीजें हैं जो यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर वो मेथड्स आप लोग देख लोगे तो ये मेथड समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इस मेथड में है क्या ऐसा कि ये हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है, ठीक है। इस मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। दोनों में से किसी भी तरीके से वो बुक में लिखा रहता था, मैक्सिमम चांसेस है कि लिखा रहेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिया है। अगर याद होगा तो मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था सुपर प्रॉफिट मेथड, याद होगा अगर तो एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। उसमें मैंने एक छोटी सी स्टोरी एक्सप्लेन की थी, वो स्टोरी देखो बहुत ही काम की है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो स्टोरी कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर है। फिर उसके बाद मैंने एक और वीडियो एक्सप्लेन किया था कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। वहां पे भी यही सेम स्टोरी मैंने रिपीट की थी, ठीक है, यही सेम स्टोरी। अब ये दोनों की स्टोरी जो मिलके है वो ये थर्ड पॉइंट बन रहा है, यानी कि ये वाला मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो कैपिटलाइजेशन है यहाँ पे और सुपर प्रॉफिट यहाँ पे, यानी आधा इसका और आधा इसका, दोनों का मिक्स करके ये हमारा नया फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर ये दोनों का मिक्स है तो तुम्हें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये याद रखना है कि दोनों का मिक्स में क्या क्या है। लाइक ए, ये ए है तो ये बी है, तो ये क्या है, ए प्लस बी है। और हम दोनों ने, मतलब हम सब ने ये दोनों पढ़ ही लिया है, तो अब हमें सीधा इस पे फोकस करना है। तो अभी ध्यान से समझो इसका फॉर्मूला क्या है, क्या कैसे है, क्या समझना है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो स्टेप्स हमें क्लियर समझने हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड। याद होगा मैंने कहा था कि जब भी हम ये चेक करते हैं कि हम लोगों ने कितना, हमारा कितना गुडविल है, तो गुडविल जो कैलकुलेशन होता है वो होता है बेसिकली प्रॉफिट के बेस पे। अगर आपका बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, इट मीन्स कि आपका अच्छा गुडविल है, राइट। और वो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, अच्छा कमा रही है कि नहीं कमा रही है, तो एक होता है कि नॉर्मली एक मार्केट में चलन होता है। चलन का मतलब यहाँ पे है एक एक्सपेक्टेशन होता है कि नॉर्मली कोई भी काम करता है तो इतना प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन होता है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि तुम ये पढ़ाई कर लोगे तो ये जॉब मिल जाएगी, तो वो क्या है, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो तुम उस एक्सपेक्टेशन से अच्छा किए हो तो तुम्हारी गुडविल है, कम किए हो तो गुडविल नहीं है। तो चांसेस है कि हम ज्यादा ही करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे गुडविल ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो चांसेस है कि ज्यादातर क्वेश्चंस में यही होगा कि हमने ज्यादा ही किया जो एक्सपेक्टेशन था। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट कितना किया है। इन्वेस्टमेंट का मतलब, जैसे मैंने कहा ना कि ये पढ़ाई करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, तो हमने पढ़ाई कितना की है तो हमारा ये क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है। और इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना कि हम सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कभी कभी बोलते हैं नेट एसेट्स, तो ये भी याद रखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड को हम क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स भी बोलते हैं, तो ये भी चीजें आपको पता होना जरूरी है। दूसरा चीज है इसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, बेसिकली इट इज गिवन इन एग्जाम्पल, आई मीन इन एग्जाम्पल या इन अ क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है, जो ये एक्सपेक्टेशन वाला रेट है कि नॉर्मली आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इसलिए इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट है कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, दूसरा है कि मार्केट में लोग कितना अर्न कर लेते हैं, यानी एक्सपेक्टेशन रेट क्या चल रहा है, तीसरा है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब ध्यान से समझो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्यों निकालना है, क्योंकि हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में देखा था कि सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जो एक्चुअल है, ठीक है, जो एक्चुअल है और जो एक्सपेक्टेड है था, यानी कि जो हमने एक्सपेक्टेशन किया था और जो हमारा एक्चुअल में हमने अर्न किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। आई होप कितना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप कि पूरी चीजें क्लियर हो गई हैं। याद रखना है कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कि जो तुमने रियल में कमाया है और जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि जो हमने हमने रियल कमाया है तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा, वो भी निकालना पड़ेगा। मतलब ये हुआ, हमें एवरेज प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और एक्सपेक्टेड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर है। और उसके बाद हम निकालते हैं कैपिटलाइजेशन, यानी गुडविल निकालते हैं। तो ये जो हमारा सुपर प्रॉफिट है, इस सुपर प्रॉफिट को ही हमें क्या लेना होता है, बेस लेना होता है। तो ध्यान से समझो, इस सुपर प्रॉफिट को हमने बेस लिया है, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन में लिया है, और रेट से हम चेक करते हैं कि हमारा गुडविल
कितना होगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आऊंगा, ठीक है? तो वो थोड़ा ज्यादा इजी होगा। अब याद होगा, अगर पहले की वीडियोस मेरी देखी होगी, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखना। रीजन ये है कि तुम कनेक्ट इजिली कर पाओगे, ठीक है? तो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था उसमें, अगर याद हो तो मैंने कहा था एक मैं हूँ मिस्टर ए, ठीक है, और एक दूसरा पर्सन था मिस्टर बी। अब ध्यान से समझना इस बात को। और हम दोनों ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था, हम दोनों ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, कैपिटल इंप्लॉयड। मार्केट में जो रेट चल रहा था, ऐसा हमें पता चला था कि लोग नॉर्मली 10% तो कमा ही लेंगे, जिसको हमने नाम दिया है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी एरर। तो ये हमारा नंबर वन पॉइंट है और ये है हमारा नंबर टू पॉइंट। दूसरी चीज, आई होप कि दोनों क्लियर हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि हम लोगों ने इस रेट के अकॉर्डिंग हमें कितना अर्न करना चाहिए। ये जो मार्केट में रेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कितना अर्न करना चाहिए। तो मैं अपना ही निकाल रहा हूँ, इसका मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, ठीक है? तो एज्यूम करता हूँ कि मैंने कितना अर्न, ये कितना अर्न करना चाहिए, 10,000। चलो मैं इसका भी लिख देता हूँ कि कितना अर्न करना चाहिए, 10,000, ठीक है? आई होप कि ये तीनों चीजें क्लियर है। ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, लेकिन जब मैंने बिजनेस किया तो मैंने इसके बदले में मैंने कितना अर्न कर लिया, 12,000, और इसने सिर्फ 10 अर्न कर लिया। तो देखो, जितना एक्सपेक्टेशन, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, उतना ही अर्न किया है। तो इसका तो गुडविल जो होगा वो होगा ही नहीं, कि गुडविल कब होगा, जब आप कुछ एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करते हो, ठीक है? यानी लोग जो सोचते हैं, अगर उससे आप ज्यादा करो तभी आपकी, कहते हैं ना, वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे मैंने सोचा है कि तुम 10th में इतने परसेंट लाए थे, ला सकते हो, और उतने ही लाए, तो बोले हाँ ठीक है, ये मुझे पहले से ही पता। लेकिन जब एक बियॉन्ड सिचुएशन तुम क्रिएट करते हो, तब लोगों को लगता है वाह ये तो अनएक्सपेक्टेड है, इसने तो बहुत अच्छा कर लिया, राइट? तो वो है हमारा बहुत अच्छा, यानी हमारा सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं एसपी लिख देता हूँ, सुपर प्रॉफिट। अब उसके बाद हमें निकालना होता है, सॉरी सुपर प्रॉफिट नहीं, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है? ये हमारा है जो हमने एक्चुअल में अर्न किया। अब उसके बाद हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब है जो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी जितना सोचा था लोगों ने और हमने उससे कहीं ज्यादा कर दिया। हमने कितना ज्यादा किया है, 2,000 रुपीज। अब ध्यान से समझो, ये मेथड हमें क्या एक्सप्लेन करता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो हमें क्या एक्सप्लेन करता है। याद होगा, इसके पहले हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ा था। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में हम लोगों ने इसको बेस लेके सॉल्व किया था, राइट? लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको बेस लेके सॉल्व करते हैं। मैं दोनों मेथड का समझाता हूँ, तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो, पहले मैं इस वाले को लेता हूँ जो हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट को ले रहा है ये। तो ध्यान से समझो, ये हमें क्या कहता है, फॉर्मूला इसका क्या है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यही है। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 2000 है, और रेट कितना है, 10% है। तो कैलसी में सॉल्व करते, 2000 डिवाइडेड बाय 10% करोगे तो ये हो जाएगा 20,000, ठीक है? अगर ऐसे नहीं करना है तो मल्टीप्लीकेशन 100 का, तो परसेंटेज ऊपर चला जाएगा, 10 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 20,000। ये आया हमारा गुडविल। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो गुडविल है फर्म का, वो कितना है, 20,000 है। और अगर यही हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन वाले मेथड से सॉल्व किया होता, तो ये स्टेप हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? उसमें ये स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें हम क्या करते हैं, हमारे प्रॉफिट को ही हम बेस ले लेते हैं। तो अगर मैं प्रॉफिट को ही बेस लेता हूं, तो आपको पता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट क्या मिलता मेरा, कैपिटलाइज प्रॉफिट मेरा क्या होता, यहाँ पे 12,000 डिवाइडेड बाय 10%, यानी ये हो जाता 1,20,000। ये मेरा क्या आता, कैपिटलाइज प्रॉफिट आता। लेकिन ये गुडविल नहीं था, हमने उसमें पढ़ा, ये गुडविल नहीं है। तो गुडविल कैसे निकलेगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट, उसमें से हमारा जो कैपिटल इंप्लॉयड था, तो कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना है हमारा बिजनेस का, 120, और कैपिटल इंप्लॉयड कितना है, 1 लाख रुपीज, ठीक है? हाँ, तो ये कितना आ गया, 20,000। कहने का मतलब क्या है कि गुडविल तो हमारा कैलकुलेशन से सेम ही आने वाला है, बस चेंज क्या है कि एक एक पॉइंट का हमने डिफरेंस निकाल दिया, एक एक पॉइंट चेंज करके हमने गुडविल का कैलकुलेशन थोड़ा सा बदल दिया है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये बस स्टोरी तुम्हें याद रखना है और नाम याद रखना कि कौन सा पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट है तो सिर्फ सुपर प्रॉफिट के ऊपर जाओ, याद रखना इसमें नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लीकेशन करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तुम्हें पता है, प्रॉफिट का हमें क्या करना है, कैपिटलाइजेशन करना है, फिर माइनस करना है। और अगर दोनों है, यानी सुपर प्रॉफिट ऑफ, सॉरी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो तुम्हें करना है सुपर प्रॉफिट निकाल के उसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना, तो डायरेक्टली तुम्हें गुडविल मिल जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर है। अब इसी के साथ हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाएंगे। और आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हैं तो वहां से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये चैप्टर मैक्सिमम एक दिन के अंदर खत्म कर देना, क्योंकि सारे वीडियोस मेरे अपलोड हो चुके हैं, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, प्लेलिस्ट में दे दूंगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो फटाफट 1.25, ऐसा नहीं बोलूंगा कि 1K स्पीड में ही देखो, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल हो वैसा देख के चैप्टर खत्म करो, ठीक है? ओके, लेट नहीं करना है। और हम लोग अपना क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ विराट एंड अनुष्का फर्म एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो नाम लिखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये नाम पढ़ के तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। तो मैं सबसे पहले मैं अपने चीजें लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा था कि चार्ट बना लेना ऐसे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर वन, तो ये स्टेप नंबर वन के लिए थोड़ी सी जगह है मेरे पास, स्टेप नंबर वन और थोड़ा डिस्टेंस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मैंने क्या कहा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, याद होगा मैंने कहा था ऑलवेज स्टेप को फॉलो करना, उसका रीजन ये है एग्जाम में मेरी लाइंस को, लाइंस के ऊपर मत जाना, लाइंस मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि हमें हमेशा ये थोड़ा सिस्टमेटिक वे में करना होगा ताकि एग्जामिनर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो चेक करने में। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। थर्ड स्टेप मैंने कहा था, स्टेप नंबर थ्री जो है हमारा वो क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, क्या है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी ये जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मल्टीप्लीकेशन करते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं स्टेप नंबर फोर, और स्टेप नंबर फोर हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन के बेस पे। तो यहां तक मैं लिख देता हूं, अब उसके बाद मैं पहले क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, बाकी स्टेप्स तो मुझे याद ही है। कहने का मतलब क्या है, तुम इजीली याद कर सकते हो, मुझे नहीं तुम्हें भी याद हो जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट, उसके बाद मार्केट में रेट क्या चलता है, फिर उस रेट के अकॉर्डिंग तुम्हें कितना कमाना चाहिए, अरे एक्चुअली में कितना कमा लिया यानी वो, और सुपर प्रॉफिट यानी जो एक्स्ट्रा कमा लिया। अब इसी को बेस लेके तुम्हें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कितने स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। तो क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 780,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12%, एंड लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट कितना है नीचे दिया हुआ है, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ये तो चार ही है, अच्छा ये रहा पांचवा, 16, 17। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे पहले 2 था, फिर 270, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, यानी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, राइट। अब तुम्हें पता अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें एवरेज मेथड ही सॉल्व करना पड़ेगा। जब ऑप्शन नहीं है तो यही मेथड सॉल्व करो। अब हमारा काम है अगला, फटाफट हम लिखते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये डायरेक्टली दिया हुआ था, ये फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली तुम्हें दिया हुआ है 780,000, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। अब अगला काम है तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना, किसके बेस पे, एरर के बेस पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 780,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, तो 780,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, मैं इसको कैलसी में चेक कर लेता हूँ, 780,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, तो ये हो जाएगा 93,600, ये कितना आ जाएगा, 93,600, ये है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। लेकिन हमें एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट का हम लोगों ने देखा कि सारे प्रॉफिट्स को टोटल करके डिवाइड बाय 5 कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो मैं सारे प्रॉफिट एक बार लिख देता हूँ, सारे प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपीज, फिर है 270, 240, फिर 250, एंड लास्ट वाला है 230, ठीक है। अब इसका ऐड करो, तो अगर इसको ऐड करते हो तो कितना होगा, पहले मैं ऐड करके देख लेता हूँ, ठीक है, 2 लाख प्लस 270 प्लस 240 प्लस 250 प्लस 230, तो ये आ जाएगा आपका 11,90,000, कितना आ जाएगा, 11,90,000, ये आया हमारा एवरेज प्रॉफिट का टोटल, ये हमारा क्या है, टोटल है। पर हमें एवरेज प्रॉफिट निकाला, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो 11,90,000 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख, सॉरी ये 1 नहीं आएगा, 2,38,000, ठीक है, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब उसके बाद देखो, ये तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करना है, और नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा, क्या कैलकुलेट करना है हमें, नंबर 5, और नंबर 5 में हमें चेक करना है कि हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है। ऐसे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इससे पता चलेगा ये यहाँ से सेपरेट है, ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन्स अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है, स्केल का यूज करना सिस्टमेटिक वे में ताकि अच्छे से दिखे। अब उसके बाद है यहाँ पे सुपर
प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मैंने क्या बताया, जो हमारा एवरेज है वो हमारा एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, और हमारा एवरेज कितना है 238, और ये कितना है हमारा वो भी चेक कर लेते हैं, 93600। तो ये माइनस करोगे तो ये आएगा 144,400, राइट। तो ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। उसके बाद हमने स्टेप नंबर सिक्स में क्या देखा था, स्टेप नंबर सिक्स में ये देखा कि हम इसी को बेस लेके हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो बेस कैसे लेने का मतलब है, ये है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 144,400 डिवाइडेड बाय 12%, राइट। तो 144,400 डिवाइड बाय 12% करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12,03,333। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो गुडविल है वो कितना है बिजनेस का, 12,03,333 है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर देखो अब मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं कि ये है कि इसी क्वेश्चन को, ठीक है, सेम क्वेश्चन को तुम्हें दोनों मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों मेथड से मतलब तुम्हें सुपर प्रॉफिट मेथड से भी सॉल्व करना है और कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड से भी सॉल्व करना है, और चेक करना कि आंसर सेम आता है। तो अगर सेम आता है तो समझ जाना कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, स्टेप्स याद रखना है, और स्टेप्स याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कहानी याद रखो। अब मैं उसमें ऐसे शॉर्टकट भी लिख सकता हूँ, ये ऐसे एरर याद रख लो ये सब, ठीक है, लेकिन मैंने वो लिखा ही है ना, मैंने कहा मना किया, मैंने तो वो क्वेश्चन में देखो लिखा ही है, लेकिन मेन क्या है कि स्टोरी याद रखोगे तो थोड़ा याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। और इसी के साथ इसके सारे इसके प्लेलिस्ट में बना के अपडेट कर देता हूँ, अच्छे से देख लेना अगर वीडियोस नहीं देखे हैं, और अगर देखे हैं समझ में आया तो मैं लगता है कि ये इतना अच्छा है कि बच्चे दूसरे समझ सकते हैं, मतलब मेरे दूसरे फ्रेंड समझ सकते हैं, तो तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कंटिन्यूअसली, और जो लोग नहीं करते हैं उनका भी थैंक यू, कहीं ना कहीं वो भी अच्छे ही लोग हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डेविल हंसी है, बट स्टिल हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ओके। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।